सो हेलो गाइस, कैसे हो आप? सबका स्वागत है डेली न्यू अनबॉक्सिंग में। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्राफ्ट कलेक्शन की अनबॉक्सिंग। काफ़ी सारा इसके अंदर क्राफ्ट का सामान है, जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में। तो गाइस, टोटल करेंगे, लास्ट में हम करेंगे काउंट कि कितना हमारे पास कलेक्शन है क्राफ्ट का। तो जल्दी से ओपन करके आपको दिखाते हैं, जो हमारे पास था उसको पूरा कलेक्ट करके अमेज़ोन वाले पैकेट में भर दिया। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर होती है हमारी हर तरह की अनबॉक्सिंग और स्टेशनरी किट की अनबॉक्सिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है इसके अंदर? नवी गाइस, इसके अंदर सामान है ज़्यादातर, ये लोकल स्टेशनरी शॉप पे आराम से मिल जाता है। तो गाइस, सबसे पहले ये है बैच, जो कि काफ़ी कमाल का होता है, 5 रुपए का एक पीस मिल जाता है, जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट स्टाइल का इसमें पोज बना हुआ होता है। 2 पीस ये हो गए 5-5 के। और उसके बाद गाइस देखते हैं और क्या क्या। ये देखिए, क्राफ्ट की शीट आ गई, का सही नाम जो है ग्लिटर शीट एंड स्पार्कल शीट के नाम से जाना जाता है। कलर देख लेते हैं, गोल्डन, पिंक, ब्लू, डार्क ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। तो काफ़ी सारे डिफरेंट इसमें कलर की शीटें हैं, ग्लिटर शीट। 10 पीस का पैकेट है, जो कि 10 रुपये का लूज में मिल जाएगा। अगर एक साथ लेंगे तो 10 रुपये कम हो जाएगा, यानी कि 100 रुपीज़ का है 90 में पड़ जाएगा। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि एक साथ लें, ताकि 10 रुपये का प्रॉफिट हो आप लोगों को। ये ऐसे रखते हैं साइड में, अब देखते हैं अंदर क्या है। और ये हमारे हाथ में लगा है स्केल, जो कि 5 रुपए के आसपास लूज़ में मिल जाता है। डोम्स कंपनी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, जो काफ़ी ज़्यादा बिकता है। और ये आ गई मैकेनिकल पेंसिल, एंड ये आ गया पंचिंग मशीन है, जो कि पैरों वाला डिज़ाइन में है। काफ़ी सारे इसमें डिज़ाइन आता है, बट हमारे पास यही वाला था, पैरों का निशान वाला। तो चलिए जल्दी से इसे करते, डिज़ाइन बनाते और देखते कितना छोटा बनता है। कुछ इस तरह का लगाते हैं, 30 रुपये के आसपास इसका प्राइस है, जो कि मिल जाता है। पहले 20-25 का था, बट 5-10 रुपये बढ़ गए होंगे। इसे पंचिंग करने के लिए थोड़ा सा मोटा पेपर चाहिए होगा। ये देखिए, कुछ इस तरह का हो गया। और ये रखा पैरों का निशान, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें फ्लावर वगैरह बहुत सारे इसमें डिज़ाइन आते हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है अगर मैं लेकर आऊँ तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। और ये पेन पेंसिल, जो 15 रुपये के आसपास इसका प्राइस होता है, सेलो कंपनी वालों की तरफ से है, जिसके अंदर एक वो फिर ये क्या नाम है, लीड की डब्बी फिर ये 15 रुपये में। निकाल कर देखते हैं पाउच में से और क्वालिटी चेक करते हैं। कुछ इस तरह, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मेटेलिक है डिज़ाइन इसका, आगे से देखे निकला है, 0.5 इसकी निब है। क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी, पीछे इरेजर भी लगी हुई है इसकी, और मैकेनिकल पेंसिल के नाम से जानी जाती है। इससे काफ़ी अच्छे से ड्राइंग बनती है, काफ़ी ठीक ठाक पेंसिल है, नोक भी नहीं टूटी। तो चलिए इसे रखते हैं जल्दी से वापस पाउच में, और उसके बाद देखते हैं अंदर क्या क्या डिफरेंट है सामान। तो और क्या है, ये आया पेपर कटर, एंड एक और आ गया बैच, जो कि डेयर टू बी डिफरेंट, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है, 5 रुपये के आसपास प्राइस होता है। और इसकी बात करें तो ये पेपर कटर नॉर्मली आसानी से सब जगह मिल जाता है, स्टेशनरी शॉप पर 15 रुपये के आसपास होता है इसका भी प्राइस। और गाइस, उसके बाद है एक पेंसिल इरेजर, दोनों 5-5 रुपये, 5-5 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा। अप्सरा पेंसिल है, काफ़ी बिकने वाली पेंसिल है ये भी। आप लोग कौन कौन से स्टेशनरी किट यूज़ करते हैं, या फिर डिफरेंट आपके पास है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट का रहेगा इंतज़ार। और इसे भी रख देते हैं। और उसके बाद ये आ गई आइसक्रीम स्टिक्स, जो कि 50 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस होता है, और लूज़ में वैसे तो 5 रुपये का बंडल मिल जाता है, लेकिन एक साथ जो है 50 रुपीज़ का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है आइसक्रीम स्टिक की। और उसके बाद ये आ गया गाइस, ये सेलो कंपनी तरफ से फाउंटेन पेन, जो कि 2 कार्ट्रिज फ्री है इसके अंदर, स्पाइडरमैन के डिज़ाइन में है। MRP की बात करें गाइस, तो इसका है 60 रुपये, 60 रुपये का मिल जाता है। फ्यूचर में इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, चला के भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है, और क्वालिटी भी चेक करेंगे। और अंदर क्या है, ये आ गया प्लास्टिक क्रेयॉन्स, कैमलिन कंपनी तरफ से मिलने वाला जूनियर प्लास्टिक क्रेयॉन्स, 15 रुपये के आसपास का प्राइस है, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था हमारे पास, जो कि देख लेते हैं। ये देखिए, अब की बात करें तो ये 25-30 रुपये के आसपास मिलेगी ये वाली डब्बी। और कलर देख लेते हैं कौन कौन से, देखिए कितने प्यारे प्यारे से इसमें डिफरेंट कलर है, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, येलो। और उसके बाद गाइस, ये शार्पनर 3 रुपये के आसपास है इसका प्राइस, इसे भी रखते हैं साइड में। और उसके बाद है फैब्रिक ग्लू है, जो कि 17 रुपीज़ का है, 17 रुपये के आसपास इसका प्राइस होता है, इसे भी रखते हैं साइड में, काफ़ी चिपकाने काम आता है, काफ़ी हार्ड चिपकाता है। और उसके बाद ये क्राफ्ट वर्ल्ड स्टूडेंट क्राफ्ट के नाम से है, काफ़ी सारा सामान है इसके अंदर, छोटा छोटा सा क्राफ्ट एक्टिविटी का इसके अंदर है, गुगली आइज़ है, बॉल्स है,
पल्स है, स्टार्स हैं और फ्लावर है, पत्ती है, काफ़ी यूनिक है। 50 रुपीज़ के आसपास ये मिल जाता है। और उसके बाद ये ओरिगेमी शीट, कलरफुल शीट मिल जाती है, छोटा सा पैकेट, काफ़ी सारे इसके अंदर कलर होता है। इसका प्राइस है 10 रुपये के आसपास मिल जाता है। और उसके अंदर देखते हैं क्या बचा है। ये देखिए ग्लेटर ट्यूब डोम्स कंपनी की तरफ से है, ब्लू कलर गोल्डन सिल्वर, जो काफ़ी कमाल के कलर है, 3 कॉम्बिनेशन में है और 20 रुपीज़ का मिल जाता है। इसे रखते हैं साइड में। और उसके बाद गाइस टेप, ये देखिए पूरा खाली हो गया, काफ़ी सारा एक कलेक्ट करके रखा था, 5 रुपये का टेप ये हो गया। एंड लास्ट में बैच बचा है वाइल्ड वन। तो चलिए गाइस जल्दी से करते हैं टोटल और देखते हैं कितने तक का हमारे पास कलेक्शन है, कितने प्राइस। तो सबसे पहले ये हो गया 5 रुपये का टेप और ये 5 रुपये का बैच, ये हो गया टोटल 10 रुपीज़। 20 का ये हो गया 20 एंड 15 35 45 हो गए टोटल। और 10 रुपये का 10 5 15 15 5 20, 15 का पेपर कटर हो गया 15 यानी कि, और उसके बाद 5 का स्केल, तो टोटल हो गया 40 रुपीज़, तो 85। एंड 15 का पेन पेंसिल टोटल कर लेते हैं 100 हो गए। 17 का फैब्रिक ग्लू, 3 रुपये का शार्पनर 120, और 30 रुपीज़ का पंचिंग मशीन डिज़ाइन वाला, 60 रुपये का फाउंटेन पेन। और उसके बाद बैच मिला लेते हैं 1 2 3 4 बैच है, जो कि 20 रुपीज़ का टोटल और 50 रुपीज़ का आइसक्रीम स्टिक्स। तो गाइस टोटल हो गए 280, 280 रुपये का सामान हो गया। और भी सामान है काफ़ी सारा, जो कि 50 रुपीज़ का क्राफ्ट वर्ल्ड और 90 या 100 ही लगा लेता हूँ, पूरा 100 का ये हो गया 430, यानी कि काफ़ी सारा सामान जो हमारे पास है कलेक्शन क्राफ्ट कलेक्शन, तो 430 रुपये का है। चलिए गाइस इसे रखते हैं साइड में, काफ़ी मज़ा आया अनबॉक्सिंग में, रिव्यू करने में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, टेक केयर बाय, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।